हेलो दोस्तों, ये निकिता है। ये 5 साल से हम लोग के घर पे आ रही है हमें मेहंदी लगाने, और ये खुद ही बनाती है मेहंदी, बाहर से नहीं लाती है, खुद की बनाई हुई मेहंदी लाती है और लगाती है। इसका कलर एकदम सुपर आता है और डिज़ाइन भी एक से एक लगाती है, जो चाहिए वैसा डिज़ाइन निकालती है। इतना अच्छा इसने मुझे और मेरी बेटी को ये इसने मेहंदी लगाई है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था, देखो। अभी है दूसरा दिन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी मेहंदी देखो, अच्छी कलर आई है और धीरे धीरे और भी अच्छा कलर आएगा। और अभी मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी और ये पोहे के कटलेट। तो मैंने इसको करके रखा था रात में ही, अभी बना दूँगी और फिर बाद में दूसरा। आज बहुत काम है क्योंकि आज शाम को ही गणपति बप्पा घर पे आ जाएंगे, तो बहुत सारा काम बाकी है, तो फटाफट ये निपटा लेती हूँ। और थोड़ा अभी मार्केट भी जाना है, थोड़ा सामान बाकी है लाना, डेकोरेशन का थोड़ा रह गया था, तो इधर बाजू का ही मार्केट में जाऊँगी मैं। तो अभी टिफ़िन बनने के बाद सब घर का काम होगा, उसके बाद देखेंगे कब टाइम मिलता है जाने को, लेकिन जो होगा आपको दिखाती रहूँगी।
आई हूँ मार्केट, गणपति जी के लिए कपड़ा देखना है, उनके आसन के लिए कपड़ा। तो कुछ इधर सब दो तीन दुकानों में देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर मैं दूसरे मार्केट में गई, बाजू में है हिंद माता क्लॉथ मार्केट, उधर सब मिल जाता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। थोड़ा कॉस्टली रहता है लेकिन मिल जाता है। फिर अंदर गई तो दो तीन दुकान में देखा, तो एक दुकान में मुझे अच्छा कपड़ा मिल गया था। हाँ, यहीं से मैंने लिया है, ये दुकान है, इसमें जो चाहिए वो कपड़े मिल जाते हैं, कभी कभी अपनी पसंद के अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो यहीं से मैंने एक कपड़ा पसंद करके ले लिया था। फिर हम लोग घर पे चले गए, घर पे आके फिर मेरे बड़े बेटे ने और मैंने मिलके डेकोरेशन किया थोड़ा बहुत, सब उसने किया, मैंने मदद की, डांस कर कर के उसने गाना लगाए थे। तो मुझे और जिया को नाचने का बहुत शौक है, तो जिया चश्मा लगा के देख रही है डेकोरेशन, और सब डेकोरेशन किया उस मेरी बेटी ने, सब खाना वीना सब बना लिया। हम लोगों ने तब तक गणपति जी का डेकोरेशन पूरा कर लिया। और ये थी हमारी नाइट की थाली, रोटी दाल भिंडी और पोहे के कटलेट और चटनी। और फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने ये पट्टी समोसा बनाया, इसमें पालक चीज़ और पनीर है, तो ये भर के पट्टी समोसा बनाया, क्योंकि फिर बाद में हम लोग को उतना टाइम नहीं रहता है ये सब बनाने के लिए। तो मैंने कोतंबीर वड़ी पहले ही बना ली थी, फिर उसके बाद पट्टी समोसा बनाया, सब बना के रख दिया। तो ये बच्चे लोग को सबको अच्छा लगता है, और गणपति जी को भी कुछ अलग तो चाहिए ना खाने को, हम लोग भी ये सब खाते हैं तो उनको भी खिलाना चाहिए ना, इसलिए बना लिया। बड़ा गणपति बप्पा मूर्ति जय। और आ गए गणपति बप्पा घर पे। हम लोग रात को ही गणपति बप्पा को लेके आ जाते हैं, क्योंकि सुबह हमारे पंडित सुबह 3:30 बजे आ जाते हैं, तो सुबह फिर इतनी जल्दी नहीं होता है, तो सुबह रात को ही लेके आते हैं, तो सुबह फिर अच्छा पड़ता है। पंडित जी पूजा वगैरह सब करते हैं, तो 3 बजे 4 बजे तक सब हो जाता है। तो 1.5 दिन का गणपति रहता है, तो हम लोग को पूरा दिन गणपति के साथ 2 दिन मिल जाते हैं अच्छे से। आगे सब ब्लॉग देखिए, क्या बहुत अच्छे आएंगे।